Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. So, बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है शॉपी हॉल वीडियो. तो शॉपी क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ. शॉपी एक शॉपिंग ऐप है जैसे कि मीशो है और सेम टू सेम मीशो का कॉपी ही है. जैसे मैंने देखा मुझे तो पूरा का पूरा कॉपी ही लगा, बस कलर डिफरेंट था. सो बट शॉपी पे बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट सामान, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सस्ता सामान मिलता है, बहुत ज़्यादा सस्ता, जो कि स्टार्ट हो जाता है आपका ₹1 से. ₹1 से स्टार्ट होके आगे जितना महंगा आप खरीदना चाहते हो उतना चला जाता है. सो मतलब मैंने आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में है, बहुत ही कम प्राइस में. तो आज हम लोग वो प्रोडक्ट्स चेक करेंगे कि इतने कम प्राइस में वो प्रोडक्ट्स सही मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वर्दी हैं कि नहीं है. मतलब हम लोग ट्राई एंड टेस्ट करने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स को जो मैंने मंगाए हैं. सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ. मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैंने टोटल 9 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और सारे 9 प्रोडक्ट्स का टोटल मुझे जो पड़ा था वो 671 रुपीज़ पड़ा था. मतलब टोटल 671 रुपीज़ में मैंने 9 प्रोडक्ट्स मंगा लिए. कैन यू गाइस इमेजिन, आजकल तो 1000 रुपये में भी एक ढंग का प्रोडक्ट नहीं आता. सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं और मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं सब ऐसे प्रोडक्ट मंगाए हैं जो मुझे चाहिए थे, मतलब जो मैं खरीदना चाहती थी. अब मैंने इसलिए मंगा लिया कि मैं एक बार चेक कर लूँगी, खरीद लेती हूँ, अगर अच्छे निकले तो मेरे काम ही आएंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे, और अगर ख़राब हो गए तो कुछ कर ही नहीं सकते, सस्ता ही है कोई भी, बस भगवान करे सब अच्छे निकल जाए. और मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स की तो पैकेजिंग भी नहीं खोली है, एक प्रोडक्ट तो मुझे आज ही रिसीव हुआ है. सो और इनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, मतलब डिलीवरी इनकी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए थे. डिलीवरी बहुत फास्ट डिलीवरी थी इनकी. सो ओके, ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, लेट्स गो. सो पहले जो प्रोडक्ट मैं खोलने वाली हूँ वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, जो कि है एक ईयरिंग का सेट. जो कौन सा है मुझे नहीं पता है, मेरे को देखना पड़ेगा, मे भी शायद यही है. देखो गाइस, मैंने पैकेजिंग में तो थोड़ी सी खोली थी ये देखने के लिए. नहीं, ये ईयरिंग नहीं है, शायद इसमें है ईयरिंग. तो मैंने ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अभी खोली. हाँ, तो ये रहे वो ईयरिंग्स जो कि मुझे सबसे सस्ते पड़े हैं. जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं उनमें ये हैं 28 रुपीज़ के. यस, 28 रुपीज़ के मेरे को ये ईयरिंग्स पड़े हैं. तो ऐसे ईयरिंग्स आजकल सर्विसेज में ऐसे ईयरिंग्स भी 50 रुपये से कम नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं. तो मेरे को ये लगा कि 28 रुपये में क्या बुरा है यार, वैसे पहनने ही तो हैं, कितने तो क्यूट है, मतलब कितने प्यारे लग रहे हैं. मैंने इसलिए अभी ईयरिंग्स भी नहीं डाले थे कि मैंने सोचा था यही पहन लूँगी. और मैं ये प्रोडक्ट खरीद के मतलब बहुत खुश हूँ, मतलब अभी तक जो मैं देख रही हूँ वो तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. जो मैंने अभी तक टेस्ट ही नहीं करे उनका पता चलेगा. सो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, पर्ल्स वर्क है इनमें यार, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं. और आजकल ऐसे ऐसे ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. सो मैंने सोचा 28 रुपये मिल रहा है तो मंगा लेते. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो जो मैंने अभी खोला था वही देख लेते हैं. ये शायद हमारा आईलैश कर्लर है जो कि मुझे पड़ा है 34 रुपीज़ में, और मैंने अभी तक इसकी पैकेजिंग खोली नहीं है तो मैं अभी खोल लेती हूँ और मैं आप लोगों के सामने ही ये टेस्ट करने वाली हूँ. So, ये है हमारा आईलैश पिंक कलर का, कितना क्यूट लग रहा है. और गाइस मैंने आज तक कभी आईलैश कर्लर यूज नहीं किया, मुझे यूज करना भी नहीं आता.
मैं थोड़ा डर रही हूँ इसे यूज़ करने में, बट मैं करूँगी। तो मैंने अभी तक अपना मश्कारा वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मैं ये ट्राई करना चाहती थी आप लोगों के सामने। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है मेरे लैशेस पे। सो लेट्स ट्राई इट। सो गाइस 34 रुपीस में ये वर्थ इट है, क्योंकि मैंने सरोजनी में भी देखा ये 50 रुपए से कम नहीं मिलता, मुझे 34 में मिला था, इस वजह से मैंने मंगा लिया था। और मेरे पास था भी नहीं, मुझे चाहिए था। सो मैं सोच रही थी जब मैं सरोजनी जाऊंगी तो लेके आऊंगी, बट अब मैंने पहले ही मंगा लिया। और ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि आप लोग देख सकते वर्थ इट। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं वो हैं ये क्लिप्स। ये क्लिप्स जो आप देख रहे हो, ये सरोजनी में 50 रुपये की एक क्लिप मिलती है, और मैं मुंबई से 30 रुपये की एक क्लिप लेके आई थी, और दो क्लिप लेके आई थी जो मैंने अभी लगा रखी है। ये मेरी थी 30 रुपीस की एक क्लिप, और ये जो मेरी 8 क्लिप्स हैं ये मुझे पड़ी हैं 84 रुपीस। शॉपी से ये मेरे को पड़ी है 84 रुपीस में 8 क्लिप। और बहुत, मतलब जैसी मैं ये लेके आई हूँ सेम वैसा ही मटेरियल है, कुछ डिफरेंट नहीं है। टिक टैक भी बहुत हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि ऐसे कि तुम्हारे बाल रुक ही जाएंगे इनमें, इतना लूज नहीं है। सो ये, और जितने भी 8 तरीके की हैं, और 8 के डिज़ाइन अलग अलग हैं, सबके डिज़ाइन अलग हैं। ये भी मुझे चाहिए थी, इस वजह से मैंने मंगा ली। 84 रुपीज़ में मिल रही थी, वरना तो एक ही मुझे 50 रुपये की मिलती अगर मैं बाहर कहीं लोकल मार्केट से खरीदती तो। सो मेरे को 84 रुपये में 8 मिल गई, तो मैंने मंगा ली। मतलब मान लो 10 रुपये की एक पड़ी, 80 रुपये की, 10 रुपये की एक पड़ी है। सो अगेन वर्थ इट प्रोडक्ट। और मैंने इतना सस्ता सामान मंगाया ना कि मेरे को लग ही नहीं रहा मैंने शॉपिंग करी है, कि 600 रुपये तो गए ना, वरना तो इतने पैसे चले जाते हैं शॉपिंग करने में कि पूछो ही मत। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, इनको हटा देते हैं हम। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये 5-in-1 लिपस्टिक। ये नेकलाइन पेंटा की है 5-in-1 लिपस्टिक, जो अगेन बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अपने लिप्स पे अभी यही लगा रखी है। सो इस बहुत अच्छी है, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी है, मतलब कि इतनी सस्ती है ना। इसका प्राइस, सॉरी मैं बताना भूल गई, इसका प्राइस है, मैंने डायरी में लिख रखा है, 56 रुपये की लिपस्टिक है, जिसमें 5 शेड्स हैं हमारे पास। और मैंने न्यूड वाली मंगाई थी, जिसमें ज़्यादातर न्यूड शेड्स है। सो और मैंने अभी अपने लिप्स पे भी यही लगा रखी है, मैंने अपने लिप्स पे ये ऊपर की वाली दोनों शेड्स हैं, इससे आउटलाइन करी हुई है और ये अंदर फिल कर रखी है, जो कि अगेन बहुत बहुत प्यारी है। और इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिगमेंट है, जैसे कि आप लोग खुद देख पा रहे हो। तो 56 रुपये में ये लिपस्टिक भी बुरी नहीं है, वर्थ इट है मेरे ख्याल से, तो वर्थ इट है। क्योंकि अगर फेस का फाउंडेशन वगैरह कुछ होता है, इतना सस्ता लगाने में थोड़ा लगता है, बट लिप्स पे तो आप लोग लगा सकते हो इतना सस्ता। अगर इतना अच्छा पिगमेंट दे रही है और इतनी अच्छी लग भी रही है, तो इतना सस्ता लिप्स पे हम लगा सकते हैं आराम से, मैं तो लगा सकती हूँ, आप लोगों का पता नहीं, बट मुझे इतने सस्ते में इतनी अच्छी लिपस्टिक मिल गई, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं क्या दिखाऊँ। सो हाँ, टेस्ट एंड ड्राइंग वाले जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, जो अभी मेरे होम डेकोर या मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स थे मैं वो आपको दिखा रही थी। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो है ये लीव। ये मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाए थे, क्योंकि बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो मुझे अपने वैनिटी के ऊपर रखना था, इस वजह से मंगाया था। तो ये लीव्स हैं, थोड़ी छोटी आई हैं, बट प्रोडक्ट मतलब बट प्राइस के हिसाब से मेरे को लगता है कि वर्थ इट है, कि इतनी छोटी भी नहीं है, वैसे साइज छोटा ही दिखा रखा था उसमें, बट प्राइस इसका था, एक सेकेंड बताती हूँ, इसका प्राइस था 99 रुपीस। और आजकल फेक प्लांट्स इतने सस्ते नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बहुत ही सही प्राइस में मेरे को मिल गया है, और ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, मैंने वैनिटी के ऊपर लगा रखा था। तो और इसके साथ साथ मैंने एक वॉश भी मंगाया था, जिसमें मैं ये प्रोडक्ट रख सकूँ, ये रख सकूँ प्लांट, तो उसके लिए मैंने ये वाला वॉश
फ्लावर पॉट मंगाया है जो कि अगेन प्लास्टिक का है, कांच का नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल है, बट बहुत अच्छा है। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने ये मंगाया था। और ये मुझे पड़ा था 75 रुपीज़ का, ये फ्लावर पॉट मुझे पड़ा है 75 रुपीज़ का, और ये प्लांट मुझे पड़ा है 99 रुपीज़ का, और ये जब साथ में लगते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये साथ में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने अपनी वैनिटी के ऊपर रख रखा है, और मैं सोच रही हूँ कि एक दो और मंगा लूँ। सो ये भी वर्थ इट है मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, कि जितने प्रोडक्ट्स मैंने अभी दिखाए इतने सस्ते में आप अगर ये प्रोडक्ट्स कहीं और से खरीद सकते हो कि नहीं। लास्ट दो प्रोडक्ट है जो ट्राई एंड टेस्टेड वाले हैं, जब तक मैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट खोल के दिखा देती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा आज ही रिसीव हुआ है, जो कि है ऑर्गेनाइज़र, मतलब ऑर्गेनाइजर एज इन मेकअप ऑर्गेनाइजर, आप इसे मान लो अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट इसमें रख सकते हो, आप लोग इसमें कुछ भी रख सकते हो, मतलब अपने मेकअप रिलेटेड या कुछ भी जो आप रखना चाहते हो प्रोडक्ट, बट ये खुलेगा कैसे। सो ये भी मुझे सस्ता मिल गया क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये भी मंगाना चाह रही थी, पर अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह से देख रही थी तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था मेरे को, 100-200 अप्रॉक्स या 100-150 अप्रॉक्स पड़ रहा था। सो मुझे इस पे ये वाला ऑर्गेनाइजर मिल गया 75 रुपीज़ में, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। सो ये ऑर्गेनाइजर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे इसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं, कुछ भी रखने के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, साइड में फ़ोटो भी आ रही होगी, आप लोग उससे अंदाज़ा ले सकते हो कि इसमें क्या क्या रख सकते हो। सो ये ऐसा है, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ड्रॉअर है जिसके अंदर भी आप प्रोडक्ट्स रख सकते हो। सो ये मुझे चाहिए था मेरी वैनिटी के ऊपर रखने के लिए, ताकि मैं अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट या नेल पेंट वगैरह इसमें डाल के रख सकूँ, क्योंकि वो इधर उधर पड़ा रहता है। तो इस वजह से मैंने मंगाया था, मुझे 75 रुपीज़ में मिल गया, और प्लास्टिक का है तो गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं, सो इसलिए मैंने ये मंगाया था, और मेरे ख्याल से वर्थ इट है। 75 रुपीज़ में इतना सही प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या कहना है, और काम का है सबसे मेन बात है, जितने भी प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं सब वर्थ इट है और सब काम के थे। सो आई एम तो वेरी हैप्पी। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है। सो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, अलग अलग वेबसाइट से लोगों ने मंगाए हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी मंगा के ट्राई कर लेती हूँ। सो मैंने ये मंगाया है मिनी हेयर स्ट्रेटनर, जो कि अगेन कितनी क्यूट पैकेजिंग में आया है, इतना छोटू सा पैकेजिंग है इसका, और ये बॉक्स है, और ऐसे खोलेंगे और ऐसे निकाल देंगे। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, जो कि बहुत छोटा सा है, बट कितना काम का है ये अब यूज़ करके पता चलेगा कि कितना काम का है। सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बटन ऑन ऑफ करने के लिए, और इसका वायर है जो कि प्रिटी लॉन्ग है वायर, बट मेरे को एक चीज़ इसकी बहुत अजीब लगी, मुझे लग रहा है ये यूज्ड आ गया है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये आपसे बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बट कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं कि कितना काम करता है और कितना नहीं। ये प्लग इन किया हुआ है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लाइट जल रही है, जो उसमें लुक लुक कर रही है, बट ये लाइट जल रही है। सो थोड़ी देर इसे प्री हीट होने के लिए रख देते हैं, ताकि प्री हीट हो जाए और हम इसे टेस्ट कर पाएँ, थोड़ा गर्म हो जाए तो। गर्म हो चुका है, गर्म तो हो गया, तो ट्राई करते हैं अपने इधर वाले बाल पर ही। देख लो इसे तो मैं छुपा भी नहीं सकती, मैंने अभी जस्ट आपने देखा था मेरे बाल यहाँ के कितने कर्ल हो रखे थे, और मैंने अभी ये यूज किया और ये तो स्ट्रेट हो गए, मतलब छोटा है पर काम का है और सस्ता भी है। मैंने इसका प्राइस आप लोगों को बताया नहीं, बताया पता नहीं, पर मैं अभी आप लोगों को इसका प्राइस बता दूँ, क्योंकि ये सिर्फ 97 रुपीज़ का मुझे मिला है, सिर्फ और सिर्फ 97 रुपीज़ का, और मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि
किसने मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए हैं, इजीली कर दिए हैं, और चाहे तो हम इसे ट्राई करते हैं। आई एम रियली शॉक्ड। ऐसे मुझे लगा था ये काम करेगा, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, और इतना छोटू सा है, क्यूट सा है, और काम भी कर रहा है, ये भी वर्थ इट है। क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो है ये, मैंने नेक्स्ट मंगाया था हमारा हेयर कर्लर, जो कि मुझे चाहिए था, और ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा है 127 रुपीस का, मतलब 150 रुपए से कम है। सो इसे भी ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। सो ये हमारा कुछ इस टाइप का है, जिसके साथ हमारा ये कॉम भी आया है, और ये हम ऐसे निकाल के अलग रख सकते हैं, और ये हमारा कर्लर है। इस कर्लर के साथ एक दिक्कत आई है कि इसका जो हैंडल में ये लगने वाला है ये थोड़ा लूज आया है, जो कि निकल जा रहा है बार बार, बट कोई नहीं, मैं फेविक्विक से चिपका लूँगी। 124 रुपीज़ का मिला, अगर काम करता है तो थोड़ी बहुत ये तो चलती है, बट बिना इसके यूज़ मत करना, क्योंकि ये पूरा लोहे का रॉड है और ये भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो बिना अगर आप इसके यूज़ करोगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो लेट्स ट्राई इट ऑल्सो कि ये कितने काम का है। वैसे भी मैंने मेरे कर्ल बाल स्ट्रेट कर दिए हैं, तो फिर से हम इन्हें कर्ल कर लेंगे। सो मे बी ये हीट हो चुका है, सो लेट्स ट्राई दिस टू। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा कर तो मेरा वाला कलर नहीं देता यार, क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड है, मोटा है ना, तो उससे ऐसे कर्ल्स नहीं आते, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और सिर्फ थोड़ी सी देर में कर्ल हो गए थे, मतलब वो तो मेरे को कितनी देर रखना पड़ता है, और इससे तो थोड़ी सी देर में कर्ल हो गए थे। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देखो गाइस क्यूट लग रहे हैं ना इससे कर्ल्स जो हुए हैं। पूरा लुक ही चेंज हो गया मेरा। सो आई एम इन लव विद दिस कर्लर, और मैं इसे जरूर रखने वाली हूँ, मैं किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम के प्रोडक्ट्स हैं, और सारे कितने अच्छे हैं, यू कैन सी, मैंने सब कुछ आप लोगों को ट्राई करके दिखाया है, सब कुछ ट्राई करके दिखाया, और मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को भी सारी चीज़ें अच्छी लगी नहीं लगी, आप लोग शॉपी ऐप ट्राई करना चाहते हो नहीं चाहते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना गाइस प्लीज, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।